અમારી D9 ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, ક્લિક કરો, બે આઇકન કરો અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। छत्तीसगढ़ना एक नानकड़ा गामडामांथी एक पागल महिला विखूटी पड़ी हती अने रखड़ती भटकती पहुंची गई गुजरातना अमरेली जिलाना राजूला सीटी में अने पोलीसे पहुंचाड़ी सावरकुंडलाना मानव मंदिर पागल आश्रम में। चार वर्ष आ आश्रम में महिला रही अने साजी थई अने तेने याददाश्त पाछी आवता तेने छत्तीसगढ़ मोकली आपवामां आवी हती। आवो जोईए आ रसप्रद कहानी छत्तीसगढ़ थी सावरकुंडला मावतर मिलन। आ छे अमरेली जिलाना सावरकुंडला थी 7 किलोमीटर दूर आवेला मानव मंदिर पागल आश्रम। अहीं रखड़ता भटकता निराधार महिलाओं ने विनामूल्य साचवामां आवे छे। पूज्य भक्ति बापूनी निष्ठामां एक अनोखी सेवा करवामां आवी रही छे। आज थी 4-1 वर्ष पहला राजूला पोलिस द्वारा एक हिंदी भाषी पागल महिला ने आ आश्रम खाते मुकवामां आवी हती। आ आश्रम में आवीने निराधार पागल महिलाओं जे विविध भाषानी अने विविध प्रांतनी छे तेनी सारवार अने सेवा अहीं करवामां आवे छे। हिंदी भाषी महिला ने डकुना हुलामणा नाम थी पूज्य भक्ति बापूए ओळख आपी अने 4 वर्षे जेवो समय वीत्या बाद आश्रम में विताव्या बाद आ महिलानी धीमी धीमी यादशक्ति परत आवी अने तेमणे एक दिवस पोतानी भाषामां तेनुं नाम अने तेनुं राज्य अने मावतनी विगत आपी हती। जेथी विश्वास सेवा करी रहेला भक्ति बापूए आ दीकरीनुं दाखल रजिस्टर अने विगत सूरत जोई अने राजूला पोलीस आ दीकरीने मूकवा आवी हती। त्यारे राजूला पोलीसनो संपर्क करवामां आव्यो अने तेमणे वात करी अने आनुं सरनामुं शोधी तेना घरे पहोंचाड्यो। आ महिला अत्यार सुधीमां एटले के 8 वर्षना समयगाळामां 90 जेटली मनोरोगी पागल दीकरीओ साजी थई छे અને સમાજમાં પુનઃસ્થાપિત પણ થઈ છે। ભક્તિ બાપુની ગૌરવ અને આનંદની વાત એ છે કે હેતુસર 8 વર્ષ પહેલાં આ પાગલ આશ્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું તે હેતુ ધીમે ધીમે હવે પૂર્ણ થતો જઈ રહ્યો છે અને બાપુ પરમાત્માની અવિરત કૃપા ગણાવી રહ્યા છે। રાજુલા પોલીસ દ્વારા જો લડકી મનોરોગીથી એસટી ડેપો કે અંદર બેઠતી હતી બોલો લડકી કો ઇધર છોડ ગઈ માનવ મંદિર મેં डॉक्टर विवेक जोशी की सारवार और यहाँ की दवा और हवा मिल गई तो अब ठीक हो रही थी। पूरा एड्रेस बता रही थी। डॉक्टर साहब ने रिजाइन किया तो मैंने राजूला पुलिस का कॉन्टेक्ट किया और रिक्वेस्ट की कि जो बच्ची को आप इधर छोड़ गए थे मानव मंदिर में वो ठीक हो गई है। तो पुलिस आई, उनका अता पता लिखा और उनके पिताजी तक पहुँचे जो उत्तरांचल से। आज उनके पिताजी और उनके चाचा के लड़के लेने के लिए आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राजूला पुलिस का। और मेरा आश्रम बनाने का, आश्रम का निर्माण करने का जो हेतु था वो आज पूरा हो रहा है। मुझे उन इसलिए बहुत आनंद है। वो 90 मनोरोगी पुनः समाज में स्थापित हो चुके हैं। हमारा एक पहले से हेतु था कि पुनः उनको समाज में स्थान मिले। जो मनोरोगी को समाज तिरस्कृत करते हैं, हरदूत करते हैं, उनको पुनः सम्मान से समाज में स्थान मिले वो आज हमारा हेतु सिद्ध हो रहा है। उनका बहुत ही बहुत हृदय में आनंद है। और फिर राजूला पुलिस का एक बार धन्यवाद करता हूँ उनको। अब तक कितनी लड़कियाँ ठीक हो गई? अब तक 90 व्यक्ति पुनः समाज में स्थापित हो चुके हैं। अभी 57 लेडीज है हमारे आश्रम में। हमारा एक सिद्धांत है, यहाँ से कोई चंदा लिया नहीं जाता और फीस भी नहीं लिया, निःशुल्क है, मुफ्त में है। यहाँ परमात्मा अस्तित्व सब चला रहा है। यहाँ कोई मालिक नहीं है, किसी के पांच कुछ मांगा नहीं। 4-1 वर्ष पहला राजूला बस स्टेशन में एक अजाणी पागल महिला ने जोई राजूला पोलीसे तेमनी पूछपरछ करी अने प्राथमिक तबक्के कोई जवाब न मळ्यो जेथी समग्र सौराष्ट्र अने गुजरात में પાગલનું આશ્રયસ્થાન અને સલામતી ભર્યું જે કોઈક આશ્રમ કે સ્થળ હોય તો તે સાવરકુંડલામાં આવેલું માનવ મંદિર પાગલ આશ્રમ છે। રાજુલા પોલીસના અધિકારી અને કર્મચારીઓએ સાવરકુંડલા ખાતે આવીને માનવ મંદિરમાં તેમને દાખલ કર્યા હતા અને થોડા દિવસો પહેલા જ માનવ મંદિર સાવરકુંડલાથી ભક્તિ બાપુએ રાજુલા પોલીસનો ફરી સંપર્ક કર્યો અને આ દીકરી તમે જ્યાંની છે ત્યાં મૂકી આવો તેમ જણાવ્યું હતું અને તે સાજી થઈ છે તેમ પણ જણાવ્યું હતું।
एक सामाजिक जवाबदारी समझीने तेमने पोताना घर सुधी पहुंचाड़ो जेथी करीने आ महिला पोताना घरे पहुंचे जेथी राजूला पोलीसे आ मानवता अने लागणी दर्शावीने भक्ति बापूना जणाव्या मुजब दीकरीना मावतरनो संपर्क करवानो प्रयास कर्यो अने छत्तीसगढ़ राज्यमांथी एक गामडामां रहेता गरीब परिवारना तेमना मावतर साथे वातचीत करी अने व्हाट्सएप अने विडियो कॉलना माध्यमथी तेमना मावतर अने दीकरीनो पण संपर्क करावियो अने वातचीत करावी अने सावरकुंडला लावीने तेमनी आ दीकरीने तेड़ी जवानुं जणाव्युं हतुं अने दीकरीना पिता अने भाई छत्तीसगढ़थी सावरकुंडला आवी पहोंच्या अने एक सामाजिक अने गौरवभर्युं काम करवा माटे पोलीस पण पोतानी भाग्यशाळी अने ભગવાનની કૃપા પાત્ર હોય તેવું માની રહી છે. આજે 4 પહેલે રાજુલા બસ સ્ટેન્ડ મેં એક મનોરોગી મહિલા મિલી થી તો યહાં સાવરકુંડલા માનવ મંદિર આશ્રમ મેં મનોરોગી કો રખને કે લીએ આશ્રમ મેં વહાં લડકીઓ કો રખતે હૈ બાપુ ભક્તિ બાપુ તો હમને યહાં આકે ભક્તિ બાપુ કા કોન્ટેક્ટ કિયા ઓર એ લડકી કો યહાં છોડ દિયા और वो भक्ति बापू ने हमने दो तीन दिन पहले हमको कांटेक्ट किया कि वो लड़की अब जो दो तीन साल पहले छोड़ गए थे वो सही हो गई है और हमने यहाँ मानव मंदिर आश्रम में आकर लड़की का पता लगाया तो लड़की ने उसका छत्तीसगढ़ राज्य का वो गांव है उसका वो गांव का नाम और वो मम्मी पापा का एड्रेस बता रहा था तो हमने वो छत्तीसगढ़ में उसका कॉन्टेक्ट किया और बहुत मेहनत के बाद उसका पता चला कि गांव की रहने वाली है तो उसका मम्मी पापा का कांटेक्ट किया और आज रोज उसका पिता और उसका भाई वो लड़की को लेने के लिए आया है तो हमने वो लड़की को उसको छोप दिया है. हम एक आनंद और गौरव की अनुभूति कर रहा है कि ऐसा काम हमने किया है. और छत्तीसगढ़ थी आवेला आ दीकरीना पिता अने भाई સ્વભાવે ભોળા ઓછું બોલનારા અને ગરીબ માવતર છે. 4 પહેલાં પોતાની દીકરીને ગુમાવનાર પિતા દીકરીને જોઈને ભેટી પડ્યા હતા અને શબ્દ બોલવા કે કશું કહેવા પણ ન રહ્યા. રાજુલા પોલીસનો આભાર અને દીકરીને પાગલમાંથી સાજી કરનાર આ સાધુ સંતો પણ ખૂબ જ અહેસાન માન્યું હતું અને પોતાની આપવીતી પણ કહી બતાવી હતી. તેમનો ભાઈ પણ આ દૃશ્ય જોઈને ખૂબ જ ભાવુક બન્યો હતો અને સાવરકુંડલાનું આ રમણીય માનવ મંદિર પરિસર જોઈને ગદગદિત થઈ ગયા હતા. ત્યારે સાજી થયેલી પોતાની બહેન સુનિતાએ 4 વર્ષનો સમય વિતાવ્યો તે તમામ મનોરોગી બહેનપણીઓને મળી હતી અને સોની રજા લીધી હતી અને પોતાના પિતા અને ભાઈ સાથે સાવરકુંડલાથી છત્તીસગઢની સફરે રવાના થયા હતા. નામ કાંસીરામ પટેલ. હા, ગામ સાસાવલી. અચ્છા, સાસાવલી તિલ્દાનેવરા જિલ્લા રાયપુર છત્તીસગઢ. જિલ્લા રાયપુર છત્તીસગઢ. અચ્છા, આપકો કેસે પતા ચલા, કિસકા ફોન આયા? પતા ચલા થાનાદાર ને બિલાસપુર ફોન કિયા, તો ફોન સે મેરે માલૂમ પડા તો મેં લેને આયા. અચ્છા, હાઓ, કિસકો લેને આયે? લડકી કો. નામ બતા, નામ બતા. નામ ક્યા હૈ લડકી કા? સંતી. કિસકા ફોન આયા થા ચાચા કો? ટીઆઈ જી કા ફોન આયા થા સાવરકુંડલા સે. तो व्हाट्सएप में मैं देखा, व्हाट्सएप किया था तो व्हाट्सएप में मेरे को मिला कि मैं अपना सिस्टर को पहचाना, सुनती पटेल को. तो सावरकुंडल वाला टीआई मेरे को फोन किया कि आ जाओ, अपना बहन को ले जाओ, ऐसा करके. तो मैं लेने के लिए आया हूँ सावरकुंडल आश्रम पे. आश्रम का नाम है मानव मंदिर में मैं आया हूँ अभी. कैसा आनंद है बहन को लेने का? बहन को लेने के लिए मैं जो आया हूँ उसमें बहुत मेरे को आनंद मिल रहा है. अच्छा, और आशीर्वाद है जो बाबा जी का कृपया है. गोर्धन दाफड़ा साथे अशोक मणवर, D9 न्यूज, अमरेली.